वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। शौकत बसरा साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, आप अपना जवाब दे दें, लेकिन साथ साथ मेरा सवाल भी ले लें कि 2008 में जब आपको हुकूमत मिली थी मुशर्रफ रजीम के बाद, तो उस वक्त से लेकर अब तक जो मईशत के हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं, जो अवामी मसाइल हैं उनमें इजाफा है। मेरे ख्याल से ये तो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो हमें नज़र आ रही हैं, और मेरे ख्याल से फवाद चौधरी साहब भी इस बात को जो है सेकंड करेंगे अगर वो करना चाहें। वैसे तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बड़ा हल्का हाथ रखे हुए हैं आजकल, मैं वजह पूछूंगा क्या वजह है उसकी, लेकिन फिलहाल आप ये बता दें कि क्या आपको नहीं नज़र आ रहा कि अवामी मसाइल में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है पिछले 3 सालों में? शहजाद, देखें, गुजारिश ये है कि जो फवाद भाई ने बातें की हैं ना, 99 से जब बाद में मुशर्रफ ने जो कब्ज़ा किया, देखें बात यह है कि उस वक्त जो उससे पहले के हालात हैं, मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा बदतरीन हालात थे। इन बातों की, चौधरी साहब की बातों को बिल्कुल मैं एंडोर्स करता हूँ कि वो असल में ये जो शरीफ अरबी शहजादे हैं ना, इनका जो तर्ज हुक्मरानी है वो है बादशाहों वाला, और जब ये चूँकि ये बुनियादी तौर पर एक डिक्टेटर की पैदावार हैं ज़ियाउल हक़ की, और ये जब भी इक्तदार में आते हैं क्योंकि इनका दीन मजहब ईमान वो सिर्फ और सिर्फ इक्तदार है। जब इक्तदार होता है ये पाकिस्तान में होते हैं, जब इक्तदार नहीं होता तो ये माफीनामे लिखकर शरीफ अरबी शहजादे वहाँ पे अरबी खाने खाते हैं जाके जद्दा के महलों में। लेकिन मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, जो अमल किया था परवेज़ मुशर्रफ ने, मैं फवाद चौधरी साहब से मैं ये तवक्को रखता हूँ कि बहुत ब्रिलियंट नौजवान हैं, बहुत अच्छे कानूनदान हैं, खुदारा ये अल्फाज ज़रूर अदा करें, चूँकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पाकिस्तान का एक मुतफिका कॉन्स्टिट्यूशन था। परवेज़ मुशर्रफ एक डिक्टेटर था, उसने पाकिस्तान का आयन तोड़ा। मैं आज सदीर को फारूक साहब को आज दावत एक बार फिर देता हूं कि आज आप जो एक बार फिर आमरियत के साए तले पल के जवान होने वाली जो जमात है दोबारा फिर आमरियत पे शब खून मारने जा रही है। कभी इनके जो बगल बच्चे पंजाब के अंदर हैं वो ये जो लोटा ग्रुप इन्होंने बनाया था रायवंड के अंदर, आपने सुना होगा, आज से 4 दिन पहले डॉक्टर ताहिर अली जावेद ने यह बयान दिया कि पंजाब असम्बली को सिर्फ इसलिए तोड़ दिया जाए ताकि सैनेट के इलेक्शन से बचा जा सके। सैनेट वो जो कि आइनी इदारा है, हम इनको बार बार यही कहते हैं, खुदारा अगर आप लोगों ने, ठीक है आप एक मार्शला की पैदावार है, आप पले पड़े जवान हुए, जब आप वजीर खजाना बने तो जनरल जिनानी को आप रिश्वत देकर वजीर खजाना बने, लेकिन अब तो अकल और होश के नाखन लें, आपने भी 10 साल वहां गुजारे हैं। पहले चूंकि डॉक्टर ताहिर जावेद के बयान से तो इन्होंने ला तालुकी का इजहार किया, वो तो उनका एक अपना बयान था, जाति बयान था, मेरे ख्याल से जाति बयान तो जितने पीपल्स पार्टी के आते हैं, जितने जाति बयान आपके वुजरा या दूसरे रहनुमाओं के आते हैं वो तो किसी के नहीं आते, तो एक जाति बयान उन्होंने भी दे डाला। शहजाद, मैं अर्ज करता हूं, अगर ये जिसको मैं कह रहा हूं कि ये एक पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं ये मुस्लिम लीग नून वाले, इन्होंने तारीख से बिल्कुल सबक नहीं सीखा। अगर उसका जाति बयान है वो किसका बगल बच्चा है? सैनेट एक आइनी इदारा है, और आइनी इदारे को तोड़ने की साजिश करना या सूबाई असम्बली, ये गद्दारी के जुमरे में आता है। क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने अभी तक उसको शो काज नोटिस दिया? क्या उन बगल बच्चों को अपनी, क्योंकि उनके वो बगल बच्चे हैं, इन्होंने वाहिद सियासी जमात है जिन्होंने दोबारा फिर लोटे बनाए, रायवंड की पॉलिटिक्स की, छांगा मंगा की पॉलिटिक्स की, तो आज भी उसी डगर पे चल रहे हैं। आप मियां शहबाज शरीफ साहब का, सलीका फारूक साहब मैं दरमियान में बोला, प्लीज अपने टर्न पे जरूर बोलिएगा, मियां शहबाज शरीफ साहब ने आज से 4 दिन पहले बयान दिया है कि मैं सदर को नहीं मानता। अच्छा, कभी उठ जाते हैं कि ये बताएं कि ये जो फौज है ये किसकी खिदमत कर रही है, कभी कहते हैं कि दाल में कुछ तो काला है। खुदारा अपने रवैयों को जमहूरी करें, जमहूरी कहने से जमहूरियत नहीं आती। आपने जो काम किया है इस्लामाबाद के अंदर, हाँ जमहूरियत हक देती है आप सारा कुछ करें, लेकिन ये जो रवैया है आपका कि आप सेनेट का इलेक्शन, मुझे डर ये है कि गैर जमहूरी रवैये की वजह से कहीं सेनेट का इलेक्शन आने तक पूरे पंजाब को जलाकर ये राख ना कर दे। ठीक है, मैं सिद्दीक साहब से इसका जवाब ले लेता हूँ कि साजिश के पीछे कौन था और ये गैर जमहूरी रवैया कौन जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फवाद चौधरी साहब, जमहूरी रवैया ये है, गैर जमहूरी रवैया ये है कि आज आप वहां पार्लियामेंट के सामने, आज बजाय इसके कि आपने कोई जलसा मुकर्र किया होता और लाहौर के अंदर आप कहते और हमें सबको दावत देते, आए मियां साहब आपके साथ कहते हैं कि बड़ा जुल्म हुआ आपको निकाल दिया गया, लेकिन आप ही है वो जिन्होंने इसी परवेज़ मुशर्रफ के साथ डील साइन की। पहले आप कहते रहे कि वो मुझे लहरा कर, ठीक है ये पुरानी बातों का सब जवाब ले लेता हूं। मैं फवाद चौधरी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा, आप जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना भाई मानते हैं, इतना हल्का हाथ रखते हैं उन पर, कभी उन पर तनकीद नहीं करते जिस तरीके से आप नून लीग पे करते हैं, दूसरी तरफ बसरा साहब तो कहते हैं कि डिक्टेटर था वो आमिर थे मुशर्रफ साहब, ये आप मान लें, और ये आप मान लें कि उन्होंने कब्जा किया था उस वक्त पाकिस्तान पर और आइन तोड़ा था।
बसरा साहब जो है वो पॉलिटिकल रिटोरिक कर रहे हैं ना, मैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बात बता रहा हूँ। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि जो 18वीं आईनी तरमीम जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के बाद हुई है, 270AA जो भी इंसर्ट हुआ है, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग की भी रिप्रेजेंटेशन शामिल थी, उन्होंने जो अक्टूबर का इकदाम है उसको इंडोर्स किया है और लीगल करार दिया है। और दूसरी बात शहजाद, बात यह है कि रवैये तय करते हैं कि कौन डिक्टेटर है और कौन डिक्टेटर नहीं है। अगर आप इन रवैयों की बात करते हैं तो 15वीं आईनी तरमीम परवेज़ मुशर्रफ ने तो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं कराई थी, जिसके जरिए अमीरुल मोमिनीन कोई बन रहा था। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर ये जो टेलीविजन चैनल्स हैं, जो बातें इस जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आज़ादियाँ थी लोगों को, और जो आज़ादियाँ हुई जो ख़वातीन के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुआ, मिनॉरिटीज़ एम्पावरमेंट के लिए जो काम परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुआ, उसकी मिसाल नहीं मिलती। हर हुकूमत में, हर शख्स में अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं। मगर परवेज़ मुशर्रफ दौर में भी बहुत गलतियां भी होंगी। कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब 100% सही कह रहे हैं, आप उनकी बात से जो है वो तायद, उनकी बात की तायद करते हैं, तो फिर उनके स्टेप को, परवेज़ मुशर्रफ के स्टेप को जस्टिफाई नहीं, जो ये बता रहे हैं कि इनका जो आमराना, ये तो कह रहे हैं आईनी तहफ्फुज़ है उसको, कॉन्स्टिट्यूशनल तहफ्फुज़ है उसको, कोई आईनी देखें, कोई 270AA देख ले ना, मैं कहता हूं सुन ले, मेरी बात सुने, 270AA देख लेना पहले, वो है। आप मेरे भाई हैं फवाद भाई, आप मेरे भाई हैं, प्लीज खुदा रहा, उसकी वजह कि हमें कुछ बातों को मानना होगा, अगर मानेंगे तो हम आगे की तरफ सोच सकेंगे। अगर हम सिर्फ यही कहें कि मैं पीपल्स पार्टी का हूं, आप परवेज़ मुशर्रफ के साथ हैं, या सदीकुल फारूक साहब ये कहें कि मैं, हमें ये मानना होगा कि जर्नैलों ने जब भी वो आए पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके गए, मिसाइल बढ़ा कर गए, क्लाशन को कल्चर देकर गए, दहशतगर्दी देकर गए। अभी देखें ये, अभी हम सब लोगों को आज भी, मैं नून वाले खास तौर पर इसमें रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा रा अकल और होश के नाखून लें। आप अपनी आज जो पंजाब के अंदर हालात हैं, ये असल में चाहे ये सियासी शहीद बनना चाहते हैं पंजाब में आज, इस चीज का जवाब हम ले लेते हैं सिद्दीकुल फारूक साहब ने, पहले भी बड़े इल्जाम लगा दिए बसरा साहब आपने। जी सिद्दीकुल फारूक साहब। जी मैं ये अर्ज करूँगा कि एक पहले चैनल पर भी मैं और अपना हमारे बसरा साहब जो हैं ये इकट्ठे थे, वहाँ इन्होंने ज़्यादा शाइस्तगी से बातें की हैं, अब ये आखिर में आके ये अच्छी बातें करने लगे हैं। दरमियान में इनकी ज़ुबान कोई अच्छी नहीं रही, और वो कोई अच्छी बात भी नहीं है कि एक आदमी जो है वो पार्लियामेंटेरियन हो और डिप्टी अपोजिशन लीडर हो और बात शाइस्ता ना करे। अच्छा मैं ये अर्ज करूँगा मिसाल के तौर पर, एक लम्हा मेरी बात सुने ना, अब इन्होंने ये कहा कि यूनिफिकेशन ब्लॉक के आदमी जो मेम्बर हैं उन्हें मियां नवाज शरीफ शो का आज नोटिस दें, यानी वो तो उनकी पार्टी के सरबराह नहीं है, यानी एक बात इन्होंने वाकयाती तौर पर गलत की। दूसरी बात सुने, दूसरी बात ये है ना, आप रुक तो जाएं ना, आप बसरा साहब आप वो बात ना करें, हर बात में मुदाखला, सुने आराम से सुने। दूसरी बात यह है कि उन्होंने डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर ताहिर जावेद साहब ने खुद अपने बयान में कहा कि ये मेरी जाती राय है, हमारे पंजाब हुकूमत पंजाब के तर्जुमान परवेज़ रशीद साहब ने वहीं मुस्तरद कर दी कि हम इसे नहीं एक्सेप्ट कर रहे। अब उस बात को जिसका कहीं जिक्र नहीं है, जिसे हमने ऑन नहीं किया, उसे बुनियाद बना के आप वैसे ही, अब जैसे मर्जी आप गैलरी प्ले करें, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। अच्छा उसके बाद मैं आपसे अर्ज करूंगा, इन्होंने नवाज, इन्होंने नवाज शरीफ साहब को ये कहा, रुक जाए ना बसरा साहब, आप फिर अगर आप रुक जाएंगे तो अच्छी बात है ना, अपनी बारी पे बात करें, ठीक है ठीक। मैं ये अर्ज करूंगा, इन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा कि आमिरियत की पैदावार, फिर मैंने याद दिला दूं अयूब खान की पैदावार कौन था, और फिर हम चले जाएंगे 60-70 की दिहाई में, ये जरा कोई फायदा नहीं होगा, आप देख लें जी, और एक सुन लेना, आपने कह दिया, मैंने भी कह दिया, मैंने आपको सिर्फ याद दिलाया है रिकॉर्ड पर रखने के लिए, ऐसी बात ना करें। जिन लोगों ने माजी में अगर परवेज अपना अयूब खान के साथ आए, उन्होंने 73 का आइन दे के अपनी इस्लाह कर ली, अगर नवाज शरीफ साहब आए हैं ज़ियाउल हक के साथ, तो उन्होंने यहाँ 12वीं तरमीम के जरिए 8वीं तरमीम ख़त्म करके NFC अवार्ड देकर पानी का मसला हल करके और जनाब पाकिस्तान की एटमी सलाहियत को धमाके करके सामने रख के गैर मुल्की डिक्टेशन को मुस्तरद करके यहाँ आइनी इस्लाहात, यहाँ तिजारती इस्लाहात, यहाँ जरी इस्लाहात, यहाँ बैंकों की इस्लाहात, यहाँ एयरलाइंस, यहाँ नए बैंक, यहाँ ये सारी चीज़ों से इस्लाह की अपनी, बता दिया कि मैं ये चाहता हूँ, उन्होंने ये करके बता दिया, तो इसलिए उनको जो क्रेडिट मिलना है वो मिलेगा। रह गई ये बात कि उन्होंने आज मुजाहरा किया है, मैं ये अर्ज करूंगा, हम पार्लियामेंट के सामने ही मुजाहरा करने गए हैं ना, हम आर्मी हाउस के सामने तो नहीं गए कि आओ और इख्तदार संभाल लो, हम ये तो नहीं किया,
पार्लियामेंट के खिलाफ बसरा साहब लोड शेडिंग के खिलाफ 17-18 घंटे की लोड शेडिंग पिछले दिनों हो रही थी मुल्क में, जो महंगाई है उसके खिलाफ एहतजाज करना तो किसी भी सियासी पार्टी का या आवाम का हक बनता है ना शहजाद साहब। वो भी इन्होंने कोशिश की थी जनरल कियानी साहब को रातों का अंधेरे में मिलकर, जब ये वहां से मायूस हुए हैं मेरे भाई चीफ मिनिस्टर मिला है, चीफ मिनिस्टर बोलना शुरू और चीफ मिनिस्टर ने उनको बताया कि ये दहशतगर्दी का मुद्दा है। फवाद चौधरी साहब को जो है मिल सकता है, मौका दे दे फवाद चौधरी साहब को, काफी देर से बात की बहस कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब आपकी जमात का क्या इस वक्त मौकिफ है कि जिस तरीके से ये मुल्क चल रहा है और पिछले 3.5 साल से चल रहा है, क्या मजीद 1.5 साल इसको चलना चाहिए या फिर जैसे कि बसरा साहब कह रहे हैं कि एक साजिश हो रही है कि सेनेट इलेक्शन से पहले हुकूमत को गिरा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऑन रिकॉर्ड हैं, मियां साहब भी ऑन रिकॉर्ड हैं कि ये हुकूमत इस तरीके से नहीं चल सकती, अगर हम खामोश बैठे रहे तो ये गुनाह कबीरा होगा। शहजाद यही वो असल में मसला है जिसका हल जो है वो पाकिस्तान और हम जैसे जो तरक्की पजीर मुल्कों के एक बहुत लॉट है वो तलाश करने की कोशिश कर रही है। अब आइनी तौर के ऊपर, कानूनी तौर के ऊपर ये हुकूमत 5 साल के लिए मुंतखब हुई है और इसको ये हक हासिल है कि ये अपनी मुद्दत पूरी करें। मसला कहाँ आ जाता है कि जब 3 साल में आप देखते हैं कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो है जो 7.75% पे था जब इस हुकूमत ने टेक ओवर किया, वो 3% से कम पे है गुज़श्ता 3 सालों से। जब हम ये देखते हैं कि $14 बिलियन का कर्ज़ा जो पाकिस्तान ने पिछले 60 सालों में लिया था वो इन 3 सालों में लिया जाता है, और जब हम देखते हैं कि नौकरियाँ 50 लाख नौकरी जो हमने हर साल पैदा करनी है अपने नौजवानों के लिए, उसके बजाय 5 लाख नौकरियाँ रोज़ाना हर साल ख़त्म हो रही हैं, और हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो 18% से कम होकर -9% के ऊपर आ चुकी है। तो प्रॉब्लम यहां, और PIA रेलवे और बाकी जो इदारे हैं, बिजली की लोड शेडिंग, ये मामलात आपके सामने हैं। असूलन इनको मुद्दत पूरी करनी चाहिए, लेकिन अमली तौर के ऊपर ये मुद्दत पूरी कर सकेंगे या नहीं, इनकी परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और दूसरी जो अब अगर आप अपोजिशन देखते हैं, जो नवाज शरीफ साहब वगैरह जो सदीकुल फारूक साहब की पार्टी पार्लियामेंट से मायूस हो चुकी है, वो मायूस होकर वो सड़कों के ऊपर आ चुके हैं, वो इधर धरने दे रहे हैं। अब होगा क्या कि हम एक कनारकी की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि इनके पास ऑल्टरनेट कोई प्लान नहीं है, मुस्लिम लीग नून के पास भी कोई प्लान नहीं है। ये तो भरोसा है ना कि कोई गैर जमहूरी तरीका नहीं अपनाया जाएगा इस हुकूमत को गिराने के लिए, ये तो वो कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड भी, और ऐसा लगता नहीं है ना, ये कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि देखिए, जब आप अनारकी की तरफ चले जाते हैं, जब आप एक मुल्क जो है वो मुआशी स्लाइड पे चला जाता है, मैं सदीकुल फारूक साहब, शौकत या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गारंटी नहीं कर सकती कि मुल्क में क्या होगा। हमें कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश ये होनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करे, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करे। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो कोई गारंटी नहीं। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है, इस ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। फवाद चौधरी साहब का कहना है कि मुल्क इस वक्त अनारकी की तरफ जा रहा है, और अगर मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि तब्दीली जो है वो जमहूरी होगी, वो गैर जमहूरी तब्दीली भी हो सकती है, कुछ नहीं कहा जा सकता है इस बारे में। एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपके सामने फिर हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।